और रहन भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ना भाई क्या है अपने पास में आइए, अपने को लैपटॉप चाहिए था 15-20 की रेंज में। है अपने पास बहुत सारे मॉडल है, 12,000 से स्टार्ट होके i5 लैपटॉप 20,000 तक में 6-7 अच्छे मॉडल है। अच्छा। मैं दिखाता हूँ आपको वन बाय वन सब। ये अपनों को अच्छा जरा ऑफिस वर्क में चाहिए। मैं आपको दिखाइए ना, जरा बताइए ना जरा कोई। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लेनोवो का ये अपना। अच्छा। i5 है, 4th generation। अच्छा। 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, 12 इंच की डिस्प्ले। डिस्प्ले इसमें थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन प्रोसेसर ये भी i5 है। अच्छा, i5 4th generation i5। बैकलाइट कीबोर्ड भी है, वाईफाई ब्लूटूथ कैमरा, आराम से सब वर्क में चलेगा। अकाउंटिंग में भी चलेगा आपको, एक्सेल वर्ड वगैरह टाइपिंग वगैरह वर्क में भी चलेगा। और दूसरा कोई? ये आपको मैं दे दूंगा फाइनल 12,500 रुपए में। 12,500 जी। इससे थोड़ा ऊंचे में, थोड़ा अच्छे में, लेटेस्ट में जाना? इससे ऊपर में i5 में अपने पास 14,000 रुपए वाला भी है, लेकिन मैं थोड़ा मीडियम रेंज में उससे ऊपर आपको मॉडल दिखाता हूँ। ये है अपना E5470। ये है i5 6th generation, 8GB रैम, 256GB SSD, 14-inch LED स्क्रीन। कंडीशन भी काफी अच्छी है। हाँ, वाईफाई ब्लूटूथ कैमरा। ये प्योर इंपोर्ट रीपर्पिस मॉडल है जी। ये सब मल्टीपर्पज में, वीडियो एडिटिंग वाले भी ये मॉडल यूज करते हैं, सब काम में चलेगा। परफॉर्मेंस स्पीड भी जबरदस्त है इसकी, और 180 डिग्री रहेगा। ये रहेगा अपना 18,000 रुपए, 18,000। और सेम इसी में ये है 5470, इसके बाद है ये 5490। इसमें उसमें HD LED है, इसमें फुल HD LED, और इसमें एक बैकलाइट कीबोर्ड रहेगा। उसमें नहीं है क्या? उसमें बैकलाइट नहीं है। अच्छा। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड रहेगा, और वो 6th generation था, ये 7th generation। i5 7th generation, 8GB रैम, 256GB SSD, 14-inch फुल HD LED। ये फुल HD है, वो HD रहेगी। साउंड बाउंड भी अच्छा है इसका। लेकिन मॉडल जबरदस्त है। i7 7th generation, 16GB रैम, 256GB SSD, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, एकदम स्लिम पीस रहेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसमें, बैकलाइट कीबोर्ड भी है, और फुल IPS डिस्प्ले। बिल्कुल ग्लोसी और IPS डिस्प्ले है, टच स्क्रीन जैसा फील आएगा, टच नहीं है लेकिन ये। हाँ, i7 7th generation, 16GB रैम, 256GB SSD, और इसका नए का प्राइस है 1,05,000 रुपए। आपको मैं अपने दे दूंगा फाइनल 25,000, 25,000 रुपए, 25,000। कंडीशन एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन, 15-20 की रेंज में। हाँ, लेकिन ये आपको नए मॉडल आए थे तो दिखा देता हूँ दोनों मॉडल। एक दूसरा इसके ऊपर है अपने पास, ये है टच स्क्रीन मॉडल। ये भी i7 7th generation, इसमें भी 16GB रैम है, 256GB SSD। ये तो 16GB रैम है तो फोटोशॉप में उसमें भी चलेगा ना फिर तो? एडिटिंग वाले लोग ले जाते हैं। बिल्कुल एडिटिंग में जबरदस्त, फोटोशॉप, ऑटोकैड सब चलेगा इसमें। इसमें ग्राफिक कार्ड कुछ आता है? 2GB का इंटीग्रेटेड रहता है, इनबिल्ट ग्राफिक्स, जिसमें गेमिंग भी अच्छी खासी चल जाती है। अच्छा। और सॉफ्टवेयर सारे चलेंगे। और ये अपना टच स्क्रीन मॉडल, ये भी i7 है, 16GB रैम है, 256GB SSD है। ये भी 1,10,000 रुपए का इसका नए का प्राइस है, जो अपने पास मिलेगा ओनली 32,000 रुपए, 32,000। और ये है कि ये HP का, अकाउंटिंग और नॉर्मल वर्क है, उसमें डेल का भी अच्छा है, i5 4th generation,
4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क, अगर फास्ट करना है तो एक SSD ऐड कर सकते हो उसमें, 1500 रुपये डिफरेंस पड़ेगा। ये ओनली 14000 रुपये, 14000, ये आपके वर्क में आराम से इजीली चलेगा, सब पर्पज में चलेगा, एक्सेल सब काम में चलेगा। और अगर आगे जाके स्पीड बढ़ानी है तो 1000-1500 रुपये का एक SSD का खर्चा होगा तो और फास्ट हो जाएगा। ठीक है देखते हैं कौन सा सेट होता है अपने बजट में। ठीक है, फाइनली गाइस समीर भाई को हमने एक लैपटॉप डन किया है उन्होंने, तो भाई कौन सा लैपटॉप फाइनल किया आपने? जी ये डेल का अपना 5490 है ना वो मॉडल लिया मैंने। ये फाइनल 19000 में इनको अपन ने दिया है, 19500 था लेकिन भाई का 500 रुपए का बार्गेनिंग करवा के मैंने करवा रहा हूँ थोड़ा, आप भी करा सकते हैं, आप रखते है भाई भी सबका। तो आपको भी अगर लेना है लैपटॉप तो आ सकते हो अपनी शॉप पे, कंप्यूटर सॉल्यूशन सूरत गुजरात अड़ाजन पे है, लोकेशन और नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। भाई को लाइक और कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।